बेहोश हो गई हैं? जी सर बेहोश हो गई। जो ना स्कूल में उसमें पढ़ाई होता है? पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा लोग झूला झूला खेलता है और मैडम लोग मोबाइल देखता है। देखिए सच्चाई बता रही हैं। मास्टर आते हैं तो पैर पर पैर दे के एक ठो पैर एक कुर्सी पर बैठता, दूसरे कुर्सी पर उनकी लात रखता है। पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ता क्या है, उधर मारा पीटी हो रहा है, अपना बोगला जैसे मुंह दिखा रहा है। टीचर? टीचर स्कूल में? स्कूल में। अब बच्चा लोग? बच्चा लोग इधर से उधर भाग रहा है, देहात वाले गांव में जाके देखिए तो बच्चे बस बाइड में खेल रहा है। हाँ। बगीचे में खेल रहा है। यही चीज हम लोग दिखलाने जाएंगे तो बोलेंगे परमिशन है। परमिशन है? परमिशन काहे ने मांगेगा? परमिशन है नहीं करते हैं। अपना तो खुद ने पढ़ाया तो बस दूसरे को क्या पढ़ाएगा। अच्छा कहलिए कि बच्चा का मारे छे बैठल रहला मोबाइल देखत रहे छे। कौन मोबाइल देखते रहते हैं? मैडम। मैडम? हाँ मैडम। नहीं है ना पढ़ावे छे मैडम? आप दूसरा स्कूल से हैं? हम दूसरा। सब लोग अलग अलग स्कूल से हैं? बताइए जरा, देखिए पोल खुल रहा है। मैडम लोग पढ़ाती नहीं है? पढ़ाई होता है। होता है? झूठ ना, झूठ ना बोलिए। एक विषय होता है, दो विषय में खेले खत्म हो जाता है। खेले खत्म हो जाता है पूरा पूरा। खिचड़ी खगड़िया जिला से आई है, स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ होता है। ना बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। सही से बोलिए। सही से बोलते हैं, पढ़ाई होता है। हाँ। लेकिन खिचड़ी पेट पर लात मारता है। हाँ। 1600 में क्या होगा। हाँ। हम लोग सब काम कर। अभी इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर पूरे बिहार से रसोईया लोग आए हुए हैं। ये सभी लोग स्कूल में मिड डे मील के तहत ये लोग खाना बनाती है और स्टूडेंट को खाना खिलाती है, स्कूली छात्रों को खाना खिलाती है। ये सभी लोग रसोईया हैं। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में ये लोग हैं। बिहार के तमाम जिला से ये लोग आई हुई हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है। और देखिए हम लोग इन लोग से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। कहाँ से आई हैं? पंसलवा खगड़िया जिला से। अररिया जिला से? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला से जी। किस लिए आई हैं? वेतन बढ़ाने के लिए। कितना वेतन मिलता है? 1650। कितना देर काम कराया जाता है? 8 घंटा। 8 घंटा में 1600 रुपए में 50 रुपया रोज पड़ता है। 50 रुपया रोज काम कराया जाता है और 8 घंटा काम कराया जाता है जी। कब से काम कर रही है? कब से काम कर रही है? 2017-14। बताइए ये सभी लोग रसोईया लोग हैं और ये लोग काम करती हैं और स्कूल में शिक्षक भी होते हैं, वो भी आते हैं पढ़ाने के लिए और उन लोग का वेतन होगा कितना? 40,000-50,000, उससे भी ज्यादा। लेकिन ये लोग जो होते हैं हार्ड वर्क करती हैं। दीजिए न मजदूरी जोड़ के 300 रुपया दीजिए न। 300 रुपया मजदूरी जोड़ के दीजिए न। ढेरी हम वही बाल बच्चा पास ले। ये लोग चाहती है कि 300 रुपया मिले, लेकिन मिले और 50 रुपया एक दिन का मिलता है। सोचिए कि क्या है। अब ये लोग है थोड़ा ऑटो बाबू, देखिए ये लोग जो है ये रसोईया लोग हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक। और ये लोग? हाँ बोलिए। मास्टर रहे, मास्टर पढ़वे छे, रसोईया तो हर काम करे छे, तैयो रसोईया के वेतन नै दै छे। तैयो रसोईया के वेतन कुछ नै मिलै छे, झरकै छे, मारै छे, कुछ भी। हेड मास्टर कुछ भी नै देखै पारै छे, कुछ नै देखै छे। हेड मास्टर झरके कि जे हुए मास्टर कुछ नै ककरो देखै छे। चाभी खोलै छे रूम के, रसोईया चाभी खोल के तब तला अथी सब में झाड़ू दै छियै, बर्तन साफ करै छियै आ तब जाके चूल्ही पजारे छिए, खाना बनबै छिए, खिलबै छिए, झाड़ू दै छिए, तब सब रूम के लगबै छिए, सब कुर्सी टेबल के साथ। आप लोग टीचर से कम नहीं काम करती हैं ना? किचन से ज्यादा काम होता है। अच्छा एक कहाँ से आई आप? हम सहरसा जिला से आए हैं, घर मेरा फतेहपुर है। आप जो ना स्कूल में उसमें पढ़ाई होता है? पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा लोग झूला झूला खेलता है और मैडम लोग मोबाइल देखता है। देखिए सच्चाई बता रही हैं। और आप लोग क्या करती हैं? हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाती है? खाना बनाती है। बच्चा खाता है? बच्चा खाता है, खिला करके बच्चा के। आप लोग को पैसा कैसे मिलता है? कैश मिलता है कि खाते में मिलता है? खाते में देता है मास्टर। हाँ मास्टर अति देखिए। हाँ सरकार दे। बताइए ये लोग जो है 1600 रुपया मिलता है और काम करती है, जरा सोचिए। कहलिए कि बच्चा का मारे छे बैठल रहला मोबाइल देखत रहे छे। कौन मोबाइल देखते रहते हैं? मैडम। मैडम? हाँ मैडम। नहीं है ना पढ़ावे छे मैडम ना। आप दूसरा स्कूल से हैं? हम दूसरा। सब लोग अलग अलग स्कूल से हैं? बताइए जरा, देखिए पोल खुल रहा है। मैडम लोग पढ़ाती नहीं है, ये लोग खाना बनाती है, खिचड़ी बनाती है।
अच्छा देखिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ, आप कौन से, आपका स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? पढ़ाई होता है। होता है? झूठ ना, झूठ ना बोलिए। एक विषय होता है, दो विषय में खेले खत्म हो जाता है। खेले खत्म हो जाता है पूरा पूरा। खिचड़ी रोज बनता है? खिचड़ी 300 दिन बनता है। फील्ड में झाड़ू मर बता है, क्लास में झाड़ू होता है, तो बाथरूम भी में बंद दिलवाता है, नहीं दिलवाएगा तो यहाँ से निकलो, से बोलता है। पैसा से हम लोग खट रहे हैं, 50 पैसा से। बच्चा पर जब बच्चा पर पहले। और आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए ये लोग जो है, बोलिए गिद्धा मध्य विद्यालय स्कूल से हम बोलते हैं, रेखा देवी। आपके स्कूल में पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है, मास्टर घूमता है फिरता है, क्या पढ़ेगा, रसोईया बनाता है। आगे आगे आते हैं और भी लोगों से जानते हैं। ये सभी लोग जो हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। कुछ लोग उधर है, वहाँ पर भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, जरा सोचिए कि ये लोग स्कूल में खाना बनाती है, खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए कितना मिलता है, 1600 रुपया महीना। और इन लोग से पूछ रहे हैं, ये सभी लोग तो स्कूल में खाना बनाती हैं, अभी रसोईया हैं, कहाँ से आई हैं? अच्छा, आपके स्कूल में पढ़ाई होता है? जी सर, आप झूठ ना बोलिए। नहीं, परीक्षा चल रहा है। पढ़ाई खूब बढ़िया से होता है? वैसा तो नहीं है ना, पढ़वे से ध्यान से। पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता है, लेकिन खाना रोज बनता है कि नहीं? रोज। अच्छा, खाना रोज बनवाया जाता है। और लोग हैं इधर से, देखिए क्या नाम हुआ? सुलोचना देवी। सुलोचना देवी, हाँ। कहाँ से आई हैं? खगड़िया जिला से, अलौली पंचायत। खगड़िया जिला से आई हैं। स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ होता है। ना बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। सही से बोलिए। सही से बोलते हैं, पढ़ाई होता है, लेकिन खिची बाड़ी के पेपर लात मारता है। 1600 में क्या होगा, हम लोग सब काम करते हैं। अच्छा, ठीक से वेतन भी 12 महीना के अंदर में 10 महीना का मिलता है, उसमें भी 5 महीना का हो जाता तो 2 महीना को देता है, हम लोग कैसे पेट भरेगा। अच्छा, क्या लेकर आई है? ये मुढ़ी चूड़ा लेके आई है, घर से ही खाने के लिए। बताइए, देखिए ये लोग घर से ही अपने खाने पीने का जुगाड़ लेकर के आई हैं, लेकिन कब से धरना पर बैठी हुई हैं आप? हम लोग कल ही घर से निकले हैं, आज 8 बजे, कल 4-3 बजे घर से निकले हैं, आज यहाँ से आज यहाँ पहुँचे हैं 9 बजे। कल निकले हैं घर से? कल ही निकले हैं। जब सरकार अगर 22,000 रुपया मंथली नहीं देगा रसोईया का, जब सरकार खुद अपने आप को जो बिहार में मजदूर का मजदूरी जो निकाल रखा है 300, तो कम से कम उतना भी तो दे सकता है ना, मजदूर का भी गिनती रखेगा ना रसोईया को? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मजदूर का भी दर्जा जब सरकार नहीं दे रहा है रसोईया को, तो सरकार एक बार रसोईया को हटा दे, बिल्कुल हटा दे। जिस समय में बच्चा का जो खाना जो लागू किया है, तो कौन बड़े बड़े घर का किसी का माँ बहन विद्यालय में भर्ती हुआ है खाना बनाने के लिए? भूमिहीन, गरीब, निसहाय, विधवा, ऐसी औरत भरी है खाना बनाने में। अब मान के चलिए उन बच्चे को खिलाना पिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धो के फिर घर में रखना ऑफिस में। अब मास्टर आते हैं तो पैर पर पैर दे के एक ठो पैर पर एक कुर्सी पर बैठता, दूसरे कुर्सी पर उनकी लात रखता है। पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ता क्या है, उधर मारा पीटी हो रहा है, अपना बोगला जैसे मुंह दिखा रहा है। टीचर स्कूल में? स्कूल में। अब बच्चा लोग? बच्चा लोग इधर से उधर भाग रहा है, देहात वाले गांव में जाके देखिए तो बच्चे बस बैड में खेल रहा है, बगीचे में खेल रहा है। यही चीज हम लोग दिखलाने जाएंगे तो बोलेंगे परमिशन है। परमिशन है, परमिशन काहे ने मांगेगा परमिशन है? नहीं करते हैं। अपना तो खुद नहीं पढ़ा है तो बस दूसरे को क्या पढ़ाएगा। अच्छा, जब वो अपने खुद नहीं पढ़ा है, 50 रुपए पर बहाली हुआ था, उनका वेतन अभी 40-45 हजार रुपया मिल रहा है, तो वो तो अपने टेर हो गया है, तो दूसरे को बच्चा को क्या पढ़ाएगा। यानी कि टीचर कम रंगदार ज्यादा दिखते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मगर मरता है यहाँ ये मजदूर आदमी उनके दरबारी करते करते। चलिए और लोग से बातचीत करने का प्रयास करते। देखिए यहाँ से वहाँ तक खाली जो है ये सब लोग रसोईया लोग ही है, ये लोग सब स्कूल में खाना बनाती है, खाना बना करके बच्चे लोग को खिलाती हैं, लेकिन आज इन लोग के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। ये लोग इस तरीके से सड़क पर आ गई हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। 1600 रुपया महीना मिलता है, जरा सोचिए। बिहार सरकार का एक नियम को देखा जाए तो 300 रुपया हर मजदूर को मिलना चाहिए, लेकिन मजदूर की तरह मजदूरी भी नहीं मिलता है इन लोगों को। यहाँ से यहाँ तक लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं, बाहर भी कुछ हैं, कुछ उधर हैं, कुछ इधर हैं। हाँ चलिए, क्या बेहोश हो गई हैं? जी
सर बेहोश हो पकाना का भी मोदिया पर सर। अच्छा खाना उना खाई है कि नहीं? नहीं सर, भूखे हैं हम लोग। भूखे हैं जी सर। सफर की जोड़िए 16 सफर की करिए, भूखे मरे छे, भूखे मरे छे। हाँ तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर, हम लोग को जो बहाली किए हैं तो हम लोग को वेतन चाहिए। ये लोग रसोईया हैं और बिहार के तमाम जिला से ये लोग आई हुई हैं और यहाँ पर आकर के अभी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं।